हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, आज अब वैकेंसी है जापान के लिए, डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंटरेस्टिंग वैकेंसी है, डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमारी वैकेंसी की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और हमारे पास आपको पता है सब जगह की, ऑल ओवर वर्ल्ड की, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और गल्फ, सब जगह की वैकेंसी आती है। और उसके अलावा बाकी की जानकारियाँ भी मिलती हैं आपको फॉरेन जॉब्स के रिगार्डिंग। तो अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग जापान के लिए, मेरे को बोल सकते कौमी किचन के शेफ चाहिए, जिनको मतलब कुकिंग आता हो, बस कुक कर सकते हो, इस टाइप के लोग चाहिए। उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं जो जापनीज लैंग्वेज का कोर्स का लेवल 5 कर सके। वो दो तीन महीने का कोचिंग का ज़रूरत होता है, और जो नए नए फ्रेशर लड़के पास आउट होते हैं वो लोग आराम से वो कोर्स कर सकते हैं और वो लेवल भी पास कर सकते हैं। 3 महीने की कोचिंग है। आप जो 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल का होटल मैनेजमेंट करते हैं, उनको करियर बनाने के लिए 2-3 महीने 3 महीने की और मेहनत करनी पड़े, तो मेरे को नहीं लगता वो कोई नुकसान की बात है। और उसके बाद आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का सैलरी पैकेज मिल जाता है अपने करियर के शुरुआती टाइम पे ही, तो बहुत अच्छा है। जापान में एक बार आप जापानीज सीख के चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको जॉब की कोई कमी नहीं होती है। आप जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, ज़्यादा पैकेज मिल रहा है तो स्विच भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो फ्रेशर हैं और जो पास आउट कर रहे हैं अभी होटल मैनेजमेंट किया, या जिन्होंने 12th करके अभी किचन लाइन ज्वाइन ही की है या सर्विस में ज्वाइन किया, तो वो भी किचन में स्विच कर सकते हैं। और साथ में ये लैंग्वेज सीख लें, लैंग्वेज का कोर्स कर लें। दिल्ली में कई जगह पे जापानीज लैंग्वेज का कोर्स किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है। कोचिंग लेके आप उसको एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका वीज़ा लेवल 5 का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो आपको पास करना होता है। लेवल 5 सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं तो उसके बाद उसका प्रूफ चाहिए होता है, बस हो गया। फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपको वीज़ा मिल जाएगा और फिर जॉब भी। जॉब में जो सैलरी है लगभग 1 लाख, मिनिमम 1 लाख रुपये सैलरी आपको पैकेज मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, आपकी स्किल कैसी है। 1 से 2.5 लाख के बीच का पैकेज होता है, बट मिनिमम हम लोग जो समझ के चलते हैं कि 1 लाख तो कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1 लाख का सैलरी पैकेज और आपके शुरुआत के जब आपको 1-1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होता है उस टाइम पे अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है करियर के लिए, आगे के लिए आपका लाइफ मतलब सेट हो जाती है। तो ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों जापानीज, इसका मेन यही है कि आपको जापानीज का कोर्स करना पड़ेगा, जैसे आइल्स का कोचिंग करते हैं बहुत सारे लोग और इंग्लिश स्पीकिंग का करते हैं, ऐसे ही आपको जापानीज स्पीकिंग का कोर्स करना है, बस हो गया। ज़्यादा टफ काम नहीं है, बट विलनेस चाहिए, विल पावर चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं करूँगा। और जिनके आगे फिर उसके आगे फिर 1-1.5 लाख का पैकेज है तो उन लोगों को तो जोश आना चाहिए कि यस आई कैन डू। तो ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए अगर आप मेरे को मालूम है आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे या इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि वो 8-10 साल 12 साल काम कर चुके हैं होटल लाइन में, तो फिर वो उन लोगों के लिए वो कोचिंग लेना ले भी सकते हैं, अगर किसी पे विल पावर है तो वो तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, ले सकते हैं। लेकिन जो सेट हो चुके हैं किचन लाइन में वो लोग शायद ना करें, बट जो नए लड़के हैं फ्रेशर है कौमी लेवल में अभी काम कर रहे हैं वो लोग इसकी कोचिंग लेके जापानीज लैंग्वेज का उसका लेवल 5 का सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो उसके बाद इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और गारंटीड 1 लाख, मिनिमम 1 लाख का फूड एकोमोडेशन के बाद का पैकेज मिलेगा, और उससे ऊपर भी पैकेज आपको मिल सकता है, डिपेंड ओवर योर स्किल एंड योर एबिलिटी एंड योर इंटरव्यू। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो होटल मैनेजमेंट के नए नए लड़के पास आउट होके आए हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और जो ज़रूरतमंद है जो नए नए अभी जॉब देख रहे हैं अब्रॉड के लिए, जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जो अभी करियर के शुरुआती स्टेज में है, उन लोगों तक वीडियो पहुंचे और उनको जॉब मिल जाए और हमारी रिक्वायरमेंट क्लोज हो जाए।
तो आप लोगों के सपोर्ट और शेयर की जरूरत होगी, शेयर करिए। और इसके अलावा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट अभी क्लोज नहीं हुई है उसका मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को अभी दिल्ली के लिए निकलना है, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। शायद ये वीडियो में दिल्ली पहुँच के अपलोड कर पाऊँ, एडिट करना होगा, अपलोड करना होगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आज मैं निकल रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी वीडियो यही समाप्त करते हैं, जल्दी ही नई वैकेंसी लेके आएंगे और नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच।